आतंकी गतिविधियों में पंजाब के लुधियाना से पकड़ा गया रामपुर का रहने वाला मौलवी उवैद पाशा, रामपुर में आ सकती है NIA की टीम। आतंकी गतिविधियों में पंजाब के लुधियाना से पकड़ा गया मौलवी उवैद पाशा भोर थाना क्षेत्र के थुनापुर गांव का निवासी है। रामपुर जनपद का खुफिया तंत्र अलर्ट हो गया, उसका नेटवर्क खंगाला जा रहा है। अमरोहा में करीब एक माह से NIA आतंकी गतिविधियां खंगाल रही है। 5 बार छापामार कार्यवाही की जा चुकी है, कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस नेटवर्क के तार पंजाब तक पहुंचे, पंजाब से लेकर इसके तार अब रामपुर से भी जुड़ गए हैं। लुधियाना में पकड़ा गया मौलवी मोहम्मद उवैद पाशा रामपुर के भोर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नरखेड़ा का मजरा मथुनापुर का निवासी है। बताया जाता है कि वह देवबंद के किसी मदरसे में पढ़ाता था। इसके बाद कुछ रोज पहले पंजाब में लुधियाना चला गया था, जहां NIA के रडार पर आ गया था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसका पता रामपुर का सामने आते ही खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया, उसके घर परिवार और गाँव की छानबीन शुरू कर दी। परिवार का पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। मैं तो पता चला है जिन्हें रात की रात में, लेकिन हम बताने वालों ने ये बताया कि वो खुद की रात में आए थे 2:30 बजे, करीब 6 बजे तक उनकी तलाशी ली उनकी कमरे की। अच्छा। उसके बाद 6 बजे लेके गई है, हमें पता चला है उस दिन से जुमेरात की रात में। और आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी वैसे मजदूरी करते हैं, लेकिन उनकी 4 दूध में उसमें पड़ती है, क्योंकि दाना खाना बहुत ही। अच्छा, तो आपके भाई की कितनी उम्र होगी? तो आपके पिताजी को बुलाया उन्होंने दिल्ली का? हाँ। तो कौन कौन गया दिल्ली? एक चाचा गए हैं, एक ताऊ गए हैं, एक पापा गए हैं और एक उनके दोस्त का पापा। तो आपको क्या लगता है आपके भाई को जो पकड़ा है बेगुनाह पकड़ा है? बेगुनाह पकड़ा, लेकिन इस तरह किसी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिस दिन से हमें पता चला मैं खाना चाह रही थी, लेकिन मैंने खाना वहीं छोड़ दिया, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि हिंदुस्तान में हर मुसलमानों का भी ऐसा नहीं है कि बस औरों का ही हक है, क्योंकि इस देश में जो रहता है उसका हक है। हिंदुस्तान हमारा भी ऐसी बात नहीं है कि हमें इस तरीके से पकड़ के और इल्ज़ाम लगा के हमें लगाया जाइए, अच्छी बात नहीं है। लेकिन